Hello student, in last video we had complete our topic taproot and fibrous root. Taproot और fibrous root आपको समझा दिया गया था. ये देखिए, आपको बताया गया था taproot है जो नीचे की तरफ ही बढ़ता जाता है, जैसे कि ये दिख रहा है मूली का. और fibrous root जो होता है उसकी जड़ें नीचे चारों तरफ फैलती रहती हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते पर नीचे बहुत ब्रॉड तक फैलती है. अब हम और भी स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. सबसे फर्स्ट में आता है आपका वाटर स्टोरिंग रूट्स. वाटर स्टोरिंग रूट्स क्या होता है? दीज आर रूट्स दैट स्टोर वाटर. ये ऐसी जड़ें होती है जिसकी जो जड़ अपने अंदर पानी स्टोर रखते हैं ताकि आगे कभी जो ड्राई समर मंथ हो, गर्मी का समय हो, तो यह पानी काम में लिया जाए. मेकिंग इट इजियर फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव लॉन्ग एंड ड्राई समर मंथ्स. बहुत ही लंबा और गर्मी के समय में प्लांट्स इससे सर्वाइव कर सके. पम्पकिन एंड गोर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रूट्स. पम्पकिन आप देख रहे हो, पम्पकिन आप सबका देखा हुआ है. एंड गोर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रूट्स. क्या दो एग्जाम्पल्स है? पम्पकिन एंड गोर्ड. प्रोपोगेटिंग रूट्स क्या होते हैं? सच रूट्स हैव बर्ड्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड. उनके क्या होता है, जो रूट्स होते हैं, जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड के सरफेस में ही, बहुत ज़्यादा ऊंचा ना जाके सरफेस को ही उसके बर्ड्स टच करते हैं. दीज बर्ड्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट. और इसी बर्ड से आप एक नया प्लांट्स भी बना सक ग्रो कर सकते हैं. जैसे कि कौन सा एग्जांपल है इसका? प्रोपेगेटिंग रूट्स का एग्जांपल क्या है? चेरी ट्रीज एंड स्ट्रॉबेरी प्लांट्स. चेरी ट्रीज एंड स्ट्रॉबेरी प्लांट्स. एरियल रूट्स. यू मे हैव सीन मंकीज स्विंगिंग ऑन एरियल रूट्स ऑफ अ बैनियन ट्री और स्विंग सेट अप ऑन द स्ट्रॉन्ग रूट्स. ये जो आपने बैनियन ट्री देखा होगा कि वो बहुत बड़ा और चौड़ा फैला हुआ होता है और उसकी जगह जगह से जड़ें निकलती है, बाहर जड़ें निकलती है, और इस जड़ों की पकड़ के मंकीज, आपने जंगल बुक में या स्टोरी में वगैरह देखा हो, मंकीज एक 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 जड़ रूट को पकड़ के दूसरे रूट को पकड़ के आगे आगे चलते जाते हैं. तो ये क्या है, ये इस टाइप के रूट्स जो होते हैं उसको हम एरियल रूट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स. और इसी रूट से फिर नया वो एक पेड़ सा बन जाता है, फिर उससे और ज़्यादा नया रूट्स निकलते हैं, फिर रूट्स निकलते निकलते आगे काफ़ी दूर तक फैलते हैं और उसमें से एक नया रूट करके ट्री बन जाता है. एज अ बैनियन ट्री लिव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इट नीड्स न्यू रूट्स टू प्रोपेट अप. वह बहुत लंबे समय तक जीता रहता है तो उसको हमेशा नई नई जड़ें चाहिए रहती है और उसकी जड़ें ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर सके. अब वो जो बैनियन ट्री होता है बहुत लंबा, 300-400 साल से भी ज़्यादा आई थिंक चलता रहता है और वो नई नई जड़ें उसमें से निकलती रहती हैं और वो उसको संभालता है. मेन जो होता है उसको वह पकड़ के रखते हैं और वो फैलते जाते हैं. सच रूट स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द ब्रांचेज रीचिंग द ग्राउंड. फिर वो क्या होता है, ये जो ब्रांचेज होती है ये निकलती है और वो जड़ में नीचे तक जाती है, फिर वहाँ से और एक ब्रांचेज निकलती है, फिर वो एकदम नीचे जमीन के टच तक, ग्राउंड तक जाती है. फिकस एंड पीपल ट्रीज ऑल्सो ग्रो एरियल रूट्स एज दे एज. फिकस और पीपल ट्री भी एरियल रूट की तरह ही होती है. ये देखो आपको एरियल रूट्स ऑफ अ बैनियन ट्री, कितनी सारी रूट्स आपको दिख रही है बाहर निकलते हुए. इन रूट्स से फिर ये जो ब्रांचेस होती है, फिर ये रूट्स नीचे तक जाती है, नीचे ग्राउंड तक जाती है, फिर वापस और निकलती है, फिर और वो नीचे ग्राउंड तक, तो काफ़ी लंबा चौड़ा, काफ़ी चौड़ाई तक ये फैल सकती है. बटरेस रूट. बटरेस रूट क्या होता है? देखिए ये बटरेस रूट की जो जड़ें हैं ऐसे बाहरी, ऐसे चौड़ी चौड़ी, ऐसे जो पेड़ होता है अपन देखते हैं सीधा ऐसे रहता है, इतना दूर फैला हुआ नहीं होता. बटरेस रूट का ये देखो चारों तरफ फैला हुआ है. बटरेस रूट. दीज आर लार्ज रूट्स ग्रोइंग ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ ट्री. ट्रीज के चारों तरफ देखो फैली हुई है, दिख रहा है ना? दीज दे आर फाउंड इन द फॉरेस्ट वेयर सॉइल इज पुअर सो रूट्स डू नॉट गो डीप. वैसी जगह में पाई जाती है जंगल में जहाँ का मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो ज़्यादा डीप तक अंदर नहीं जाती, पेड़ के आसपास में ही फैलने लग जाती है. दे प्रिवेंट द ट्रीज फ्रॉम फॉलिंग ओवर एंड हेल्प देम टू मेक इन मोर न्यूट्रिएंट्स. इससे क्या होता है कि जो पेड़ को सपोर्ट अच्छा मिलता है वो गिरता नहीं है और न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा बना सकते हैं, मेक इन मोर न्यूट्रिएंट्स, और वो पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए और हेल्पफुल रहता है. फूड स्टोरेज रूट्स. ये तो हम अच्छे से समझते हैं. सम रूट्स ऑल्सो हेल्प टू स्टोर फूड. सो ऐसा कुछ रूट्स भी होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, इसलिए उसको फूड भी बोला गया है. दिस रूट स्टोर एक्सेस फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स. ये क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स होता ना उसका जो कई बार होता ना ज़्यादा खाना बना लेते हैं,
तो वो जो ज़्यादा खाना बनता है ना, जैसे अपने घर में ज़्यादा खाना बन जाता है तो हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो ज़्यादा खाना बन जाता है ना प्लांट्स में, वो फिर जो खाना होता है वो रूट्स में चला जाता है। और वो किस किस फॉर्म में जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर। किस फॉर्म में जाता है, स्टार्च एंड सुगर। सच रूट्स फाइंड देयर वे इनटू आवर किचन, और वही रूट्स को हम लोग जब किचन में खाते हैं, जो हमारे डाइनिंग डिनर प्लेट्स में आते हैं, यानी जैसे गाजर, मूली, बीट, सुगर बीट, यम, टापियोका एंड टर्निप, ये सब क्या है, ये सब गाजर, मूली, ये सब क्या होता है, रूट ही तो होते हैं। ये रूट क्या होते हैं, ये जो रूट्स होते हैं ये एक्सेस फूड है जो प्लांट्स के जरिए बनाया गया है। किस फॉर्म में, स्टार्च एंड सुगर फॉर्म में, जो हम लोग खाते हैं। रूट्स डेट कैन बी स्टोर्ड ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन हेल्प पीपल टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ ड्राफ्ट एंड व्हेन देयर इज अ स्टोरेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। ये जो ऐसे जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं लंबे समय तक, जब वहाँ पे कभी अकाल आ गया हो, खाने की कमी आ गई हो, तो ये सब रूट्स काम में, हेल्प में लिए जाते हैं। शूट सिस्टम, अभी तक हम समझ रहे थे रूट सिस्टम, अब हम समझेंगे शूट सिस्टम, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फूड स्टोरेज रूट्स में बटरस रूट्स, एरियल रूट्स को आपने बहुत बार देखा होगा, बैनियन ट्रीज के एक से दूसरे नए ब्रांचेस आ जाते हैं, ब्रांचेस से न्यू ट्रीज में ग्रो हो जाते हैं। प्रोपेगेटिंग रूट्स जो बहुत ही जमीन के टच तक रहता है, वाटर स्टोरिंग रूट जैसे कि पम्पकिन और गॉर्ड जिसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है। सूट सिस्टम, सूट सिस्टम किसको बोलते हैं, द सूट सिस्टम इंक्लूड्स ऑल दोज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड सिस्टम स्टेम। सूट सिस्टम किसको बोलते हैं, जो ग्राउंड से ऊपर जो होते हैं, ग्राउंड से जमीन से जो ऊपर जो चीज पार्ट्स है वो होते हैं, जैसे कि स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। क्या क्या होता है, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, ऑल दिस पार्ट्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस एंड हेल्प द प्लांट इन डिफरेंट वेज। इन सब के जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, वैसे इनके भी अलग अलग फंक्शंस हैं, और ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। देन गोइंग टू दिस स्टेम, स्टेम परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर प्लांट्स। स्टेम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम हम जानते हैं तनी जो होते हैं ना, वो पेड़ों की ब्रांचेज होते, बीच का ऐसा होता है, ब्रांचेज होते हैं वो, उनको स्टेम हम बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो पानी को सप्लाई करते हैं पूरे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स में, जैसे मिनरल्स, पानी और फूड। दे कीप द प्लांट्स इरेक्ट एंड बियर लीव्स, प्लांट्स को सीधा रखते हैं और उन्हीं स्टेम में ही तो लगते हैं लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पोटैटो, जिंजर एंड सुगर कैन स्टोर फूड। अब स्टेम कुछ जो हम स्टेम तो खाते नहीं हैं, अब जैसे कि कोई जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका हम लोग स्टेम थोड़ा ना खाते, लेकिन कोई कोई ऐसा प्लांट्स है जिसका हम स्टेम ही खाते हैं, जैसे कि आलू, गाजर, सुगर, गन्ना, ये सब क्या है, स्टेम ही है जिसको हम लोग खाते हैं। कैक्टस स्टेम हेल्प्स टू स्टोर वाटर, कैक्टस स्टेम कौन सा होता है, वो स्टेम होता है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। समझ में आया स्टेम का हिस्सा। गोइंग टू द नेक्स्ट, दैट इज लीव्स, पत्तियाँ, पत्ते। तो पत्ते क्या काम आते हैं हमारे, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि सब पत्ते एक जैसे रंग में, कलर में, नहीं तो हम पहचानेंगे कैसे एक जैसे हो जाते थे, कौन सा आम का है, कौन सा नीम का है, कौन सा पीपल का है, उनको पत्ते वगैरह देख के हम समझ आते हैं, उनके रूट स्टाइल से समझ आते हैं, लेकिन ज़्यादातर पत्ते देख के ही समझ में आता है कि ये कौन सा प्लांट्स है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, लीव्स क्या करता है, किचन है, वो क्या करता है, खाना बनाता है, फूड बनाता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है और ऊपर से उसको सनलाइट मिलता है, उसके जरिए वह फूड बनाता है। क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन लेता है और पानी को अंदर लेता है और फूड बनाता है। वी ईट लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स, हम लोग पत्ते भी खाते हैं, जैसे कि स्पिनच, लीटस एंड कैबेज, पालक, पत्ता गोभी, ये सब हम लोग खाते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट्स आर प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल, ये ऐसा प्लांट होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं, वो हरा रंग का नहीं होता। दे डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स फॉर फूड, वो अलग दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के, अपना फूड बनाने के लिए, जैसे डोडर एंड मिस्टिल्टो आर पैरासिटिक प्लांट्स। ड्राइड बे लीफ इज यूज एज अ स्पाइस, ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको अपन, तेज पत्ता और वो कड़ी पत्ता, और ये नहीं कड़ी पत्ता नहीं, तेज पत्ता होता है, तेज पत्ता ही ना, हाँ, उसको वो एज ए हम लोग मसाले वगैरह में काम में लेते हैं, कुछ चीज़ का सब्जी बनाते हैं, छोगे तो हम ये तेज पत्ता डालते हैं ना, उसको हम बे लीफ बोलते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है तो हम सभी जानते हैं।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ. ग्रीन हरी सब्जी हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा पेरेंट्स से बोलते हैं बच्चे हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाने से माइंड माइंड तेज शार्प होता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, तो हमेशा बच्चों को आइज़ अच्छी रहती है. तो हमें पेरेंट्स हमेशा बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ. वी ऑल्सो यूज़ लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज, हम किसी किसी प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं, तो खाते ही हैं बहुत सारे के, जैसे नीम हुआ दवाई के रूप में, नीम एंड यूकेलिप्टस, नीम एंड तुलसी भी होता है वो भी खाते हैं, तो इसमें नाम तो नीम एंड यूकेलिप्टस का दिया हुआ है दवाई के रूप में जिसे हम खाते हैं. फ्लावर्स, वैन वी थिंक ऑफ फ्लावर्स ब्राइट कलर्स एंड प्लीजेंट स्मेल्स कम टू आवर माइंड. फ्लावर का नाम लेते हैं रोज, मैरी गोल्ड, इन सबका आता है और सुगंध आने लग जाती है कि हाँ कितनी अच्छी सुगंध आ रही है. फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स का सबसे अट्रैक्शन वाला हिस्सा कौन सा होता है? फ्लावर्स. हम देखते हैं ना उसमें उसमें फ्रूट्स लगे हुए, एक में फ्लावर्स, तो हम ज़्यादातर अट्रैक्ट किसके, तो हाँ कितने सुंदर फ्लावर है, कितने सुंदर दिख रहे हैं, हम पहले वहीं अट्रैक्ट होते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, और बहुत तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं, हम सभी जानते हैं, उनके साइज शेप और कलर भी अलग अलग होते हैं. फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स, हम सब जानते हैं कि फ्लावर्स कहाँ से ग्रो करते हैं, बर्ड से. छोटा सा गोल सा हिस्सा होता है, फिर धीरे धीरे वह खुलता है. बर्ड्स आर स्वेलन स्वेलन पार्ट्स दैट अपीयर एट द टिप्स ऑफ द स्टेम. कहाँ पाया जाता है? स्टेम पे पाया जाता है. सेपल्स आर स्मॉल ग्रीन लीव्स दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड्स, और बर्ड्स के चारों तरफ एक हरी हरी, आपने देखा ही होगा ना बर्ड्स को, उसके चारों तरफ हल्की हल्की हरी हरी छोटे छोटे हरे हरे पत्ते लगे हुए रहते हैं. वो क्या करते हैं? वो बर्ड्स को बचाते हैं. When birds burst open, colorful petals spread out from flowers. जैसे ही burst खुलता है, open होता है, उसमें से पतले पतले ये petals होते हैं flowers की, जो पत्तियाँ पत्ते होते हैं वह खुलने लग जाते हैं और दिखने लग जाते हैं. Flowers help plants to produce more of their own kind. Flowers क्या काम करता है? वह plants को help करता है कि अपने जैसा ही बहुत सारा, अब एक ही पेड़ में अगर जैसे एक फ्लावर होता है, फ्लावर का होता है, तो उसमें क्या एक ही रोज़ दिखेगा आपको? नहीं, काफ़ी सारे रोज़ हुआ तो रोज़, मैरी गोल्ड हुआ तो मैरी गोल्ड. द प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमन. पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड इट. स्टेमन के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है. पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. जैसे सब में मेल फीमेल होता है, वैसे इसमें भी होता है. फ्लावर में स्टेमन होता है मेल और पिस्टल होता है फीमेल. टू मेक, ये देखो आपको डायग्राम्स के थ्रू भी समझाया गया, इंपॉर्टेंट डायग्राम है. टू मेक अ फ्रूट, ये दिख रहा है आपको, ये स्टैमन है, ये स्टैमन दिख रहा है आपको, ये स्टैमन हो गया आपका मेल पार्ट, एंड दिस इज पिस्टल योर फीमेल पार्ट, दिस इज योर फीमेल पार्ट एंड दिस इज योर फीमेल पार्ट एंड दिस इज योर मेल पार्ट. इसके थ्रू फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते हैं. ये हिस्सा दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्टिग्मा, देन बीच वाला होता है मेल का, फीमेल का स्टाइल एंड ओवरी. दिस इज योर ओवरी एंड स्टैमन में एंथर एंड फिलामेंट. ये एंथर गोल गोल तो होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट, ये पेटल होता है, ये सेपल होता है, जो सेपल जो प्रोटेक्ट करता है बर्ड्स को. पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर इज कैरिड टू अनदर फ्लावर बाय विंड. पॉलन क्या होता है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हवा के थ्रू कैरी होता है, और बाय स्मॉल छोटे छोटे जानवरों के थ्रू. लार्ज एंड ब्राइट फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट. बड़े बड़े जो सुंदर फ्लावर्स होते हैं वो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, इस पर बैठते हैं, जैसे बटरफ्लाई हुआ और भी इंसेक्ट्स होते हैं. वाइल फीडिंग ऑन नेक्टर एंड पोलिन आपको नेक्टर और पोलिन दिख रहा है. बाय फीडिंग ऑन नेक्टर एंड पोलिन द इंसेक्ट्स पॉलिनेट द फ्लावर्स. एक बाय फीडिंग नेक्टर एंड फ्लावर का रस चूस लेते हैं जब, तो वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं, यानी फ्लावर को रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं. फ्लावर्स विदर ऑफ आफ्टर पॉलिनेशन टू फॉर्म फ्रूट्स दैट बियर सीड्स, सो जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फ्लावर्स. और इसके जरिए क्या होता है? नए फ्लावर्स बनते हैं. जब इंसेक्ट्स के थ्रू या जो या विंड के थ्रू पॉलन ट्रांसफर होता है इधर से उधर, तो नए फ्लावर्स फॉर्म होते हैं. फ्लावर्स इन आवर लाइफ. फ्लावर्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में? फ्लावर्स हैव अ स्पेशल प्लेस इन आवर लाइफ. फ्लावर्स की जो जगह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में. प्लेसेस ऑफ वर्शिप यूज फ्रेश फ्लावर्स एवरी डे. पूजा में क्या होता है, हम अपने में सोचते हैं कि डायरेक्ट प्लांट से तोड़ के ही फ्लावर्स लेके आए और भगवान को अर्पित करें.
पीपल एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देम ऑन स्पेशल डेज, जैसे शादी वादी हुआ, कोई फंक्शंस हुआ या कोई बीमार हो तो क्या करते हैं उनके लिए फ्लावर्स वगैरह लेके जाते हैं ताकि उनको स्पेशल फील करो, अ बुकेट फॉर योर पेरेंट्स ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी और फ्लावर्स फॉर योर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे। तो आज चलो मैं ये टॉपिक यहीं तक कंप्लीट करती हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कॉल करके बता दीजिए, वो टॉपिक मैं आपको वापस से समझा दूँगी। अगर बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि मैम इस टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप आराम से मेरे को कॉल कर सकते हो, आपको वापस से फिर से समझा दिया जाएगा उस टॉपिक को, फिर से वीडियो बना के फिर से समझा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम यहाँ पे इतना ही पेज नंबर 48 तक रखते हैं, यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।